मैं क्या बताऊं यार, मैं कोती घर में आके फंस चुका हूं और अब मुझे जाना है घर। तो मैं कैसे घर जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत से भाई लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं और उनका सवाल यही रहता है कि हम कोती घर में काम करते करते एकदम थक चुके हैं, एकदम पक चुके हैं और हमें कोती घर में काम ही नहीं करना है। तो हम यार क्या करें अब कोती घर में, अगर हमको इंडिया जाना है तो हमको कैसे जाना है। तो बहुत से भाई लोग ये पूछ रहे थे कि भाई हम कोती घर में आके फंस चुके हैं और हमको कोती सैलरी भी अच्छे से नहीं दे रहा है, तो हम कैसे इंडिया जाएं। मैं तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, भाई जब आप लोग इंडिया से कुवैत आ रहे थे, क्या आपके दिमाग में इतना भी नहीं आया था कि हम कुवैत में जाएंगे, कम से कम 1 साल 2 साल रहेंगे। और यहाँ पे भाई लोग जब आ जाते हैं काम करने के लिए आते हैं, तो 1-2 महीने के अंदर में वो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि हम अब कोती घर में काम नहीं करेंगे और हमें जाना है इंडिया। तो भाई आपका कोती तो ऐसे जाने देगा नहीं, क्योंकि आपका जो कोती होता है वो आपको पूरा अच्छे से खर्चा करता है, जैसे कि आपका वीजा निकालता है और आपको मेडिकल का पैसा देता है, यहाँ तक कि जब आप लोग इंडिया मेडिकल कराते हो तो उसका भी पैसा आके यहाँ देता है। एकदम 80% कोती लोग आके देते हैं, पूछते हैं क्या भाई आपने कितना खर्चा किया था, मेडिकल का पैसा आपने कितना दिया था वहां पे इंडिया पे, और जब यहाँ कुवैत में आ जाओगे तो आपका कोती पूरा अच्छे से यानी कि आपको पैसा देता है। और आप लोग बोलते हो कि हम अब जाएंगे इंडिया और हमें यहाँ पे हमारा मन नहीं लग रहा है। तो गाइस मैं आप लोग को इतना कह देता हूँ कि प्लीज यार गाइस ऐसे लोग मत आए कुवैत में, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे आते हो तो कम से कम आप लोग को 1 साल या 2 साल तो रुकना पड़ेगा या 1.5 साल। तो क्योंकि जो कोती होता है आपका, जो कि अच्छा कोती होएगा तो आपको भेज देगा, बोलेगा कि चलिए कोई बात नहीं आप जाइए अपने घर, आप भी खुश हम भी खुश। अगर आपका कोई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है गाइस, अगर आपका कोती थोड़ा टेढ़ा है तो आपको जाने नहीं देगा, ये तो पक्का वादा है। बोलेगा कि कम से कम 1 साल तो करना पड़ेगा आपको काम, अगर 1 साल नहीं करोगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा इंडिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप एम्बेसी जाओ कहीं भी जाओ, कम से कम मैंने आपको वीजा दिया है, मैंने आपको पूरा पैसा खर्चा किया है, तो कम से कम मुझे आपको कम से कम 1 साल यहाँ पे काम करना पड़ेगा। गाइस अगर आप लोग 1 साल यहाँ पे काम नहीं करते, अगर कोई बोलता है तो आपको कोई जाने देगा नहीं, क्योंकि इसके पास पूरा पासपोर्ट वगैरह होता है, उसके पास सिविल आईडी वगैरह होती है आपकी, तो आप लोग जा नहीं सकते हो। इससे अच्छा यह है कि आप लोग खुशी खुशी 1 साल 1.5 साल काम कीजिए, हो सकता है आपका कोती आपको मानने लगे, आपको प्यार करने लगे। और बहुत से भाई लोग इससे घबरा कर भाग जाते हैं इंडिया और जाके वहां पे पछताते हैं कि हमें कुवैत में रुकना चाहिए था। बहुत से भाई लोग ऐसे होते हैं जो कुवैत में आते हैं और यहाँ पे घबरा जाते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, 1 महीना 15 दिन काम करते हैं और वो एकदम घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें काम ही नहीं करना, अब क्या करें, अब यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मेरा घर याद आ रहा है, मेरा बाग याद आ रहा है, मेरा पूरा मैदान वगैरह याद आ रहा है जहाँ पे हम लोग खेला कूदा करते थे। तो भाई मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि ऐसे लोग कुवैत मत आइए। अगर आप लोग घर में, अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, पैसा की प्रॉब्लम है, आप लोग को कोई नौकरी नहीं मिली है, तो प्लीज आइए आप लोग और यहाँ पे सब्र मार के काम कीजिए। यहाँ पे हम लोग भी आए थे आज से 6 साल पहले, तो हम लोग का भी दिल यानी मन कुछ भी नहीं लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे रुकें, लेकिन हम लोग घर को सोच के यहाँ पे रुके, जिसकी वजह से आज हम लोग रुक पा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे काम कर पा रहे हैं। और अगर बहुत से भाई लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत से भाई लोग आते हैं यहाँ पे 1 महीना 2 महीना काम करते हैं और चले जाते हैं इंडिया, और उन लोगों को जो कि होता है पसंद वो नहीं आता है, क्योंकि वो लोग जो होते हैं इंडिया से यानी कि बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। हम लोग तो भाई इंडिया से, हम लोग भी इंडिया बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पैसा के लिए आते हैं और हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं और अपने घर भेजते हैं, तो हम लोग की लाइफ ऐसी है। तो अगर आप लोग की लाइफ ऐसी होना चाहती है, तो अगर आप लोग को पैसा चाहिए, आपको घर चलाना चाहिए, तो प्लीज आप लोग यहाँ पे आइए कुवैत में। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा नाटक मत कीजिए, क्योंकि हमें घर जाना है। आप लोग को कुवैत के सामने ऐसा नहीं बोलना है कि हमें अपने घर जाना है, हमको कुवैत में नहीं रहना है। और जब आपको कोई चीज सुनेगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको कोई चीज गुस्सा हो जाए कि हम तुमको नहीं जाने देंगे कुछ भी हो जाए, और बहुत से ऐसे अच्छे कोती होते हैं जो आपको भेज देते हैं। तो प्लीज यार आप लोग को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यार आप लोग यहाँ पे इतनी बड़ी गलती मत कीजिए। और बहुत भाई लोग यहाँ पे आ जाते हैं और खुशी खुशी काम करते हैं, 1 साल 2 साल काम करते हैं और चले जाते हैं इंडिया और फिर आते हैं रिटर्न काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों को कोई एकदम पसंद आने लगता है और यहाँ पे महीना महीना उनको सैलरी मिलती है और अपने घर भेजते हैं, और कोती भी खुश और बंदा भी खुश, जैसे मैं भी खुश कोती भी खुश। कोती को काम चाहिए और मैं काम कर रहा हूँ कोती का, तो कोती मुझसे प्यार करेगा और कोती मुझको सैलरी देता है और कोती मुझे खाना भी देता है, यहाँ तक कि कोती मुझे रूम भी देता है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर 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 आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार, चैनल को अपनी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।